हाय एवरीवन, माय नेम इज अपूर्वा एंड आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही अमेजिंग से टॉपिक पे डिस्कशन करने वाली हूँ, व्हाइट बटरफ्लाइज। व्हाइट बटरफ्लाइज हम क्यों देख सकते हैं, क्या रीजन हो सकते हैं व्हाइट बटरफ्लाइज दिखने के, सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। ऑल्सो लेट मी टेल यू, व्हाइट बटरफ्लाइज अगर आप देख रहे हैं तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। मोस्टली अगर आप व्हाइट बटरफ्लाइज देखते हैं तो ये एक साइन होता है, बेसिकली प्योरिटी का साइन होता है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का साइन होता है, स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन का साइन होता है, गुड लक का, अबेंडेंस, पीस। बेसिकली व्हाइट बटरफ्लाइज आपको तब ज्यादा दिखती हैं जब आपका बहुत ही मैसिव एनर्जी शिफ्ट हो रहा होता है। बट हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि आपको व्हाइट बटरफ्लाइज दिख रही है। ऑल्सो इट डिपेंड्स कि आप बटरफ्लाई को किस तरीके से देख रहे हैं, कहाँ पर देख रहे हैं और आपकी लाइफ की सिचुएशन क्या है, तो उन चीजों के हिसाब से आपको व्हाइट बटरफ्लाइज दिख सकती है एंड इट्स अ पॉजिटिव साइन। फर्स्ट रीजन ये हो सकता है व्हाइट बटरफ्लाइज दिखने का कि आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हो, यानी कि आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज है वो इन्हांस हो रही है, बढ़ रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ रही है और आप स्पिरिचुअली इवॉल्व कर रहे हैं, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है व्हाइट बटरफ्लाइज दिखने का, सिंपल सी बात है, यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है कि आप गुड लक को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। थर्ड रीजन ये हो सकता है व्हाइट बटरफ्लाइज दिखने का कि एंजल्स जो है वो आपको कन्वे करना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली एंजल्स अपनी प्रेजेंस को उन बटरफ्लाइज के थ्रू आपको बता रहे हैं, वो आपको एक तरीके से साइन दे रहे हैं। फोर्थ रीजन व्हाइट बटरफ्लाइज दिखने का ये भी हो सकता है कि मे बी आप लो हो, सैड हो, यूनिवर्स जो है आपके स्पिरिट गाइड्स एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि जस्ट डोंट फील बैड, आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए वो व्हाइट बटरफ्लाइज का साइन दे रहे हैं। या फिर एक ये भी रीजन हो सकता है कि वो आपको बता रहे हैं अपसेट मत हो, कीप मूविंग फॉरवर्ड, मोटिवेटेड रहो, आगे बढ़ते रहो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सैड मत हो, ये कुछ टाइम की बात है। स्पिरिट गाइड्स या आपके एंजल्स यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डोंट फील बैड अबाउट इट, आगे बढ़ते जाओ, पीछे मुड़ के मत देखो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। फिफ्थ रीजन व्हाइट बटरफ्लाइज दिखने का ये भी हो सकता है कि वो आपको एज अ एनिमल स्पिरिट गाइड दिख रहे हो। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी चीजें आपकी लाइफ में है उनको एक्सेप्ट करो एंड जो भी चीजें गलत हुई हैं उन चीजों को फॉरगिव करो, माफ करो एंड मूव ऑन करो। नेक्स्ट, अगर आप व्हाइट बटरफ्लाई को अपने गार्डन में देखते हैं, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन कि आपका जो भी बिजनेस है, फिनेंसेस है, फिनेंशियल इश्यूज हैं, वो सब खत्म होने वाले हैं। अबेंडेंस का साइन होता है, पॉजिटिविटी, गुड लक का साइन होता है, मोस्टली सक्सेस का साइन होता है। तो जो भी किसी भी चीज में, सपोज आप कुछ चीज को अचीव करना चाहते हो, आप सक्सेस चाहते हैं उस चीज में, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन ऑफ सक्सेस। बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, गुड लक। सपोज आप किसी चीज में सक्सेस को सीक कर रहे हैं काफी टाइम से, तो अगर आप व्हाइट बटरफ्लाइज अपने गार्डन में देखते हैं, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन कि आपके काम बनने वाले हैं, आप गुड लक को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, गुड लक को अट्रैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर आप बटरफ्लाई को अपने घर में देखते हैं, घर के अंदर देखते हैं, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। द वेरी फर्स्ट थिंग कि इसमें क्या होता है कि आप हो सकता है कि नए रिलेशनशिप को बिल्डअप करने वाले हो, रिलेशनशिप किसी चीज से भी रिलेटेड हो सकता है, फ्रेंडशिप से या फिर लवरशिप से, इन शॉर्ट कोई न्यू रिलेशनशिप डेवलप होने वाला है, पीस एंड हार्मोनी का ये साइन होता है। नेक्स्ट, अगर व्हाइट बटरफ्लाई आपके ऊपर आके बैठ जाए, लैंड कर ले, इसका मतलब सिंपल सा ही होता है कि आप शायद किसी हीलिंग पीरियड से निकल रहे हैं एंड ये पीस का साइन है एंड आप हील कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर व्हाइट बटरफ्लाई आपको फॉलो करे, व्हाइट बटरफ्लाईज आपको फॉलो करे, द वेरी फर्स्ट थिंग आपकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो इनहांस हो रही है, आपकी मैनिफेस्टिंग पावर इंक्रीज हो रही है। ऑल्सो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बता रहे हैं कि प्लीज हैव फेथ इन द यूनिवर्स, हैव फेथ इन अस, हम पे भरोसा रखो, और वो अपने प्रेजेंस का आपको एक तरीके से प्रूफ दे रहे हैं कि वो आपके साथ हैं एंड आपका जो मैनिफेस्टिंग पावर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। नेक्स्ट, अगर व्हाइट बटरफ्लाई आपका रास्ता क्रॉस कर जाए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि नई नई अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आने वाली हैं, आप नई नई अपॉर्चुनिटीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे बी अगर आप किसी चीज पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं एंड व्हाइट बटरफ्लाई आके आपका रास्ता क्रॉस कर जाती है, इट्स अ सिंपल मैसेज कि आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज आपकी विश के रिगार्डिंग आने वाली है एंड इफ पॉसिबल प्लीज टेक एक्शन सो दैट आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो पाए, आप उस गोल तक पहुंच पाओ। व्हाइट बटरफ्लाई अगर सपने
सपने में दिखती है तो क्या होता है, व्हाइट बटरफ्लाई अगर सपने में दिखती है तो क्या होता है. सी इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन, इट्स अ वेरी गुड ओमन. इसके बेसिकली दो रीजन हो सकते हैं. पहला, आपको नए नए आइडियाज आने वाले हैं या फिर आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो एक नए लेवल पे जाने वाली है. या फिर सेकेंड होता है कि वरी मत करो. मे बी हो सकता है कि आप ऐसे टाइम पीरियड से निकल रहे हो जिसमें आप बहुत डल रहते हो, सैड रहते हो. अगर आपको अपनी लाइफ में किसी इस टाइम पे व्हाइट बटरफ्लाई दिखती है इन ड्रीम्स, तो यूनिवर्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप प्लीज वरी मत करो, टेंशन मत लो, नेगेटिव थॉट से दूर रहो, उस चीज को रिलीज करो, रिलीज दोस ब्लॉकेजेस. इसके दो रीजन हो सकते हैं, ठीक है. अगर व्हाइट बटरफ्लाई आपको कहीं मरी हुई मिली है तो इसका बहुत ही सिंपल सा रीजन ये हो सकता है कि आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें आपको अपनी डार्कर साइड को एक्सप्लोर करने की बहुत जरूरत है. यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं शैडो वर्क, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ब्लॉकेजेस है, उनको रिलीज करना होगा सो दैट आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो हो सके. बिकॉज अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में है तो आपकी लाइफ में एक ऐसा लेवल आएगा जहां पे आपको जरूरत होगी सारे के सारे नेगेटिव ब्लॉकेजेस को रिलीज करने की, अपने शैडो वर्क को करने की, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव पैटर्न है आपके अंदर, उन सबको रिलीज करने की, अपने डार्कर साइड को एक्सप्लोर करने की, सो दैट आप स्पिरिचुअली और भी ज्यादा इवॉल्व कर पाओ. एंड डेड वाइट बटरफ्लाई रिप्रेजेंट करती है येन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, लूनर एनर्जी एंड इंट्यूशन. ऑल्सो डेड व्हाइट बटरफ्लाई रिप्रेजेंट करती है बहुत बड़ा कोई चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है. मे बी स्पिरिचुअली हो या फिर किसी और तरीके से हो, बट ये बेसिकली एक बहुत बड़ा आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर सकता है. अभी शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम किस तरीके से पता करें कि कौन सा साइन हमारे लिए है, कौन सा रीजन हो सकता है हमारे लिए. द वेरी फर्स्ट थिंग इज आप अपनी सिचुएशन पे ध्यान दो कि आपकी जो सिचुएशन है वो इनमें से कौन सी चीजों में फिट बैठती है, एंड आप किस तरीके से बटरफ्लाई को देखते हैं, ये भी एक चीज है जो मैटर करती है. थर्ड, आपको सिंपल सी एक्सरसाइज करनी है, थोड़ी इंट्यूशन अपनी इस्तेमाल करनी है, अपना माइंड काम करें, 2 मिनट के लिए ब्रेथ वर्क करें, लाइक सांस अंदर बाहर करनी है जिससे कि आपको जो माइंड है वो काम हो जाए. काइंड ऑफ थोड़ा सा मेडिटेटिव स्टेट में जाके जस्ट काम योर माइंड एंड जस्ट आस्क क्वेश्चन, पूछें कि कौन सा रीजन है मेरे लिए जिससे कि मुझे ये व्हाइट बटरफ्लाई दिख सकती है. जो भी रीजन, जो भी थॉट फर्स्ट आपके माइंड में आएगा वो रीजन होगा कि आपको व्हाइट बटरफ्लाई क्यों दिख रही है, क्या मैसेज है यूनिवर्स का. तो ये सारे रीजन हो सकते हैं अगर आप व्हाइट बटरफ्लाई देख रहे हैं. इट डिपेंड्स कि आप किस सिचुएशन में है, आप किस तरीके से व्हाइट बटरफ्लाई देख रहे हैं, तो ये सारे रीजन हो सकते हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आप व्हाइट बटरफ्लाईज की बात ना करें, किसी नॉर्मल बटरफ्लाई की बात भी करें, बटरफ्लाई देखना इज अ वेरी पॉजिटिव साइन. बटरफ्लाईज को गॉड के मैसेंजर्स में भी काउंट किया जाता है एंड बोला जाता है कि ये भगवान के मैसेंजर्स हैं. एंड अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, व्हाइट बटरफ्लाईज देख रहे हैं या फिर नॉर्मल बटरफ्लाईज भी देख रहे हैं, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर यू. तो ये आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही. मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आपकी कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी है तो आप मुझे यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय.